कई मंत्रियों से मिले थे जब हमने ये मुद्दा उठाया था कि भाई यहाँ किसान यूनियन का धरना लग रहा है, आप इनके लिए कोई कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम किसानों को यहाँ सब कुछ व्यवस्थाएं दे रहे हैं और ये किसान यहाँ के हैं वो इलीगल बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप सरकार? देखिए अब तो उनको इलीगल इसलिए लग रहा क्योंकि इनके जो वोट है वो लेके ये जीत जाते हैं। इलीगल तो उसको कहते हैं कि इनके ना तो यहाँ प्रमाण पत्र होने चाहिए थे, ना इनके मूल निवास होने चाहिए थे, ना इनकी वोटर आईडी होनी चाहिए थी, तब तो हम इनको इलीगल कह सकते थे। इनके सभी प्रमाण पत्र यहाँ के हैं, इनकी मूल निवास यहाँ के हैं, यहाँ के आईडी है इनकी सारी, और यहाँ वोटर आईडी इनकी यहाँ है, वोट यहाँ डालते हैं। बिजली पानी की व्यवस्था थी वो अब इन्होंने काट दी है, तो ये इलीगल कैसे हो गए? 100 साल से जब ये सरकारें भी नहीं थी तब ये यहाँ बसे थे, इनके बुजुर्ग यहाँ आए थे और अंग्रेजी शासन में अंग्रेज इनको इस जमीन को देकर गए थे। डीडीए तो बाद में पैदा हुई, सरकारें बाद में आई, तो ये इलीगल कैसे हो गए? 100 साल से यहाँ रह रहे हैं सर। 90 दिन से ज्यादा इस धरने को हो गए हैं और 90 दिन में आज तक सरकार का काम तक आवाज नहीं पहुंच पाई। देखिए क्या कहना चाहिए सरकार के कोनों तक तो आवाज आप लोगों के माध्यम से जा रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं जा रही है। जब हम यहाँ गाजीपुर में बैठे थे तब भी सरकारें हमको पता नहीं अलगाववादी, आतंकवादी, क्या क्या माओवादी, क्या क्या बोला उन्होंने, लेकिन जीत कर रहे। ऐसे ही आज भी आप लोगों के माध्यम से जो आप लोगों की मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, कुछ मीडिया ऐसी है जो उनके अंडर में काम करती है, सरकार के अंडर में काम करती है, लेकिन आप जैसे बंधु हैं हमारे साथ में, वो हमेशा हमारी आवाज़ को वहाँ तक बुलंद करते हैं, सरकार तक जा रही आवाज़, सरकार सुन रही है आवाज़ को, उनको मालूम है, वो सिर्फ एक ये देखती है कि कितने दिन इस पर शांतिपूर्वक बैठ सकते हैं। अभी ये हमारा जो ध्येय है, जो हमारा शांति व्यवस्था है, उसको देख रही है कि हम कब तक बैठते हैं। हम 19 तारीख को यहाँ से कुछ करेंगे एलजी के, 19 तारीख को यानी आपका एलजी का घेराव है। बिल्कुल बिल्कुल, हम शांतिपूर्वक यहाँ देख लिया, धरना देख लिया। हमें 3 महीने हो गए लगभग, तो आपने कहाँ तक कार्रवाई की, क्या लगता है? हमने मुख्यमंत्री को भी लेटर दिया, हमने केंद्र सरकार को भी लेटर दिया, यहाँ के प्रशासन को भी लेटर दिया, दिल्ली सरकार को, मुख्यमंत्री को भी लेटर दिया, लेकिन उन्होंने सिर्फ लेटर का ये जवाब दिया कि हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। बस लेटर आए मेरे पास, मेरे ऑफिस में लेटर आए कि हम इस पर जो है हमने वहाँ के लिए फॉरवर्ड कर दिया, हमने केंद्र सरकार को भेज दिया और हमने एलजी के लिए यहाँ भेज दिया, लेकिन अभी तक उस पर भेज रहे हैं, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। जैसे बरसात का मौसम है, यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी मैंने देखा, तो सरकार को नहीं लगता कि मुझे इनकी हेल्प करना चाहिए, किसानों के साथ न्याय करना चाहिए, क्या लगता है आपको, न्याय मिलेगा? देखिए न्याय मिलेगा, 100% न्याय मिलेगा, कोई नाजायज मांग नहीं है, ये इस देश के बसिंदा है, ये यहाँ के बसिंदा है, भारत के निबंधा है। जब दिल्ली सरकार, हमारे उपराज्यपाल जो एलजी हैं, वो कहते हैं कि मैं दिल्ली का गार्जियन हूँ, गार्जियंस का मतलब है ये अभिभावक है, दिल्ली के अभिभावक, और उनकी जो जनता है, उनके जो परिवार है, वो खुले आसमान में, बरसात में, धूप में, खुले आसमान में उसके छोटे छोटे बच्चे पड़े हैं, तो उनको नहीं दिखाई दे रहा ये किस चीज के गार्जियन है? बलराज जी, इतना बड़ा किसान आंदोलन चला है, उन्हीं लोगों को अगर इतने किसानों को दिल्ली में नहीं घुसना, आपको लगता है कि आप लोगों को पहुंचने दिया जाए? हाँ जी, देखिए उरक्ष जी, जब ऐसी आवश्यकता होगी तो यहाँ और भी किसान आएंगे, और किसान यूनियन आएंगे, हमारे 100 से भी ज़्यादा संगठन हमारे साथ में है, जो हमने किसान मोर्चे बना रखे हैं, राष्ट्रीय किसान मोर्चा हमारा है, वो 100 से भी ज़्यादा संगठन है। संयुक्त किसान मोर्चा अलग है, हमारा राष्ट्रीय किसान मोर्चा है, 125 किसान संगठन है देश के हमारे साथ में, उनके राष्ट्र उपाध्यक्ष हम हैं, राष्ट्र संयोजक डीएम सिंह है, यदि उनकी आवश्यकता पड़ी तो हम उनको भी बुलाएंगे, लेकिन हम 19 तारीख में किसान और हमारी भारतीय किसान यूनियन पूछ करेंगे, यहाँ भी हमको अरेस्टिंग देनी होगी, गिरफ्तारी होगी, लेकिन गिरफ्तार होंगे फिर हम आगे और हमारे जो संगठन है वो आएंगे, वो लड़ाई लड़ेंगे, गिरफ्तारी हो जाएंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, जो भी करना हो वो करेंगे, लेकिन किसानों की समस्या। संगठन आएंगे जी 19 तारीख को, कितने संगठन? 19 तारीख को भारतीय किसान यूनियन बल्लाज और यहाँ के किसान, यदि हमारी गिरफ्तारी होती है तो बाकी किसान सब आएंगे, यानी कि कुल मिला के अपना हक आप लेके रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल लेके रहेंगे। ठीक, आप कौन?
90 दिन से ज्यादा हो चुके इस धरने को चल रहा है यहाँ पे, जहाँ आज भारतीय यूनियन के अध्यक्ष जो बलराज भाटी जी भी यहाँ पहुंचे हैं, उन्होंने इनको संबोधन दिया है। यहाँ पे इन्होंने कह दिया कि 19 तारीख की डेट में अगर अभी भी सरकार इनकी मांगे नहीं करती है, 19 तारीख की डेट में इनके साथ 125 संगठन है जो इकट्ठा मिल करके यहाँ पे एलजी का घेरवा करेंगे, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं से पिछले 90 दिन से इन किसानों की बातें नहीं सुन रही है। अगर सरकार इनकी बातें नहीं सुन रही तो नेचुरली सी बात है, जो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज भाटी जी है, इनके पास ऑप्शन ही लास्ट बनता है कि वो एलजी का घेराव करें या संसद का। और राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज भाटी जी ने ये भी कह दिया है, यदि उनकी गिरफ्तारी होती है, जितने भी और देश में संगठन है, सब लोग दिल्ली की तरफ से गूंज करेंगे, क्योंकि ये यहाँ के किसानों की बात नहीं है, ये हर एक उस जगह के किसानों की बात है जहाँ यह न्याय हो रही है। ये लोग बच्चों के साथ यहाँ पे पिछले 90 दिन से धरने पे बैठे हैं, लेकिन सरकार कहीं भी आज तक इनकी बात नहीं सुन पाए, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो कोई बड़ा अधिकारी हो, कोई भी इनकी बातें नहीं सुन रहा है।